ओके सो हेलो यस सर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ यस कुशांग फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर. सर माय नेम इज कुशांग मालविया सर. आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम मध्य प्रदेश बट करेंटली आई एम पोस्टेड इन रायपुर छत्तीसगढ़ एंड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई एम हैंडलिंग क्रेडिट डिपार्टमेंट बोथ रिटेल एंड एमएसएमई लोन. यस सर. एंड बाय वर्किंग इन द बैंक सर. यस सर. So tell me one thing, very very common question is about the priority sector lending. What is priority sector lending? You are working in the credit now. What is priority sector lending? Basically, priority sector initially before priority sector lending, bank generally used to give the loan to those sector in which they generally charge higher rate of interest. Mm-hmm. Basically, we generally give commercial loan. Mm-hmm. So what? So after that, RBI feels that some segment of the society are those on which bank is not giving the funding. Can you name those sectors? Can you name those sectors? Let's say that BICA section of the societies. Okay. Are there whom we are not giving the loan? Agriculture farmers, whom generally bank resists to give the loan. Okay. These are some of the sectors. No. List so all of them. List. Can you list all of them? Yes, sir. There are various priority sectors such as, sir, we give the loan to the weaker section. We give the loan to the retail individuals for housing loan who are in the rural okay. areas or semi-urban areas. Okay. We give the loan to the individuals who are making the basic facilities such as hospitals for the renewable energy projects. Good. These are some of the areas on which education. Bol gaya. Education is also there because it is a clean loan. So banks generally resist to give loan to these sectors, such as various loans. Business loan is also MSME loans. MSME. Mudra loan, we can say, on which okay. bank resist because there is no collateral available. So mudra loan, you are talking about. So you are dealing with mudra loan as well, right? I guess. Yes. Are you dealing? आप कर रहे हो उसपे काम? Yes, sir. तो उसके बारे में बताइए उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. अगर सपोज मुझे आज मुद्रा लोन लेना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी? बेसिकली मुद्रा लोन आपको लेना है तो बेसिकली आप मैक्सिमम 10 लाख तक ले सकते हैं आप सर लोन इनिशियली. और अगर लोन लेते हैं तो सर अगर आप बेसिकली उस कोई पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप है शूज की, अगर आप उसमें एक या दो साल से काम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको. अब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए जनरली हम मुद्रा लोन नहीं देते हैं. एक्सिस्टिंग बोरोअर्स के लिए देते हैं जिसको 6 महीना 1 साल बैंकिंग रिलेशनशिप ना हो बट उनको कुछ नॉलेज हो थोड़ा बहुत, उनको बेसिकली हम देते हैं. अगर उनका ITR फाइल हो तो ज्यादा अच्छा होता है. अगर 3 लाख तक का लोन देते हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जैसे कोई फाइनेंशियल्स का जैसे बैलेंस शीट PL का रिक्वायरमेंट नहीं होता है ITR का भी. अगर 3 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हैं तो अपन ITR बैलेंस शीट PL CMA डाटा का रिक्वायरमेंट होता है सर, और जो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को एसेस करके दिया जाता है सर. मुद्रा में NPA कितना है पता आपको? मुद्रा में सर NPA का नॉलेज नहीं है सर, सॉरी सर. नहीं, आपके हिसाब से आपने जितने भी लोन दिया ब्रांच में NPA हुए हैं? सर अगर पर्टिकुलर ब्रांच की बात किया तो NPA नहीं हुए हैं, क्योंकि सर जो मैंने जितने मुद्रा लोन किए सर, मैं कोशिश करता हूँ कि सिक्योरिटी ले लूं. हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोग जो छोटे छोटे उद्योग करना चाहते हैं, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, उसको दूर करने के लिए मुद्रा लोन आया था. जिस बंदे के पास नहीं है कुछ भी, वो कैसे करेगा बताइए. नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कोशिश करता हूँ, इसका मतलब आई मीन सर दैट कुछ कुछ लोग जो दे पाते हैं उनसे ले लेते हैं, कुछ कुछ लोन हमने नहीं भी दिए हैं जो पार्टी नहीं दे पाती है तो उनको सर फिर क्लीन लोन करते हैं. इसमें एक सेफ साइड ये भी है कि सर जो गवर्नमेंट इसमें गारंटी प्रोवाइड करती है इन द केस लोन. अच्छा, गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करती है, कितना गारंटी देती है गवर्नमेंट? तो मैक्सिमम 90% ऑफ द डिफॉल्ट अमाउंट. ये गवर्नमेंट गारंटी देती है? एक सर CGTMSE होता है इसके अंडर, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंटरप्राइज, वो एक बेसिकली गारंटी प्रोवाइड करती है अगर मुद्रा लोन के अंडर लोन दिया जाता है तो. ओके, इन केस अगर डिफॉल्ट होता है, एनपी होता है, एनपी होता है और हमने पूरे रूल्स फॉलो किए हैं रिकवरी के, तो उस केस में सर पर्टिकुलर टाइम बाद जो CGTMSE है बैंक को डिफॉल्ट अमाउंट का 90% तक मैक्सिमम रीपे करती है सर. ओके, गोल्ड लोन भी देते हो आप? जी सर, गोल्ड लोन देते हो. क्या प्रोसीजर, क्या बता दूं?
इनिशियली जैसे सर जब कस्टमर आता है गोल्ड लोन के लिए, तो पहले तो हम एसएसआर को बुलाते हैं, क्योंकि सर किसको गोल्ड का हमें नॉलेज नहीं होता है। किसको बुलाते हैं जो गोल्ड स्मिथ जो होता है, गोल्ड में जो एसेस करता है उसको? गोल्ड नहीं को नहीं सर, हाँ तो उसको मतलब आपने ब्रांच ने अपॉइंट किया हुआ है? जी, हर बैंक द्वारा अपॉइंट होते हैं सर, पर्टिकुलर ब्रांच के लिए होते हैं। अच्छा, वो कौन अपॉइंट कौन करता है? आपकी ब्रांच मैनेजर करता है, कौन करता है? नहीं सर, वो रीजनल ऑफिस से अपॉइंट होते हैं। ओके, रीजनल ऑफिस से अपॉइंट होता है। चलो, उसका जी, प्रोसेस तो बता दो गोल्ड लोन का, ठीक है? कितने परसेंट देते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा बता दो। मान लो मैं आया हूँ लोन लेने, तो मुझे सर बता दो। आप आओगे तो बेसिकली आपका रिक्वायरमेंट समझेंगे। फॉर एग्जांपल आप 10 ग्राम गोल्ड लेके आए, तो आपका रिक्वायरमेंट समझेंगे, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। और गोल्ड गोल्ड स्मिथ को बुलाने के पहले सर एक बैंक का फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल 18 कैरेट गोल्ड है तो हम इसमें इतना परसेंट मार्जिन लेंगे, 22 कैरेट गोल्ड है तो 30% मार्जिन लेंगे। तो उनको हम अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आज 40,000 रुपीज गोल्ड का प्राइस चल रहा है, तो हम आपको 25 दे पाएंगे। अगर वो एग्री करते हैं तो फिर हम सर गोल्ड स्मिथ को बुलाते हैं एसेस करने के लिए। अच्छा, वो बैंक एक क्रेडिट ऑफिसर और साथ में कस्टमर और गोल्ड स्मिथ, हम तीनों बैठते हैं, उनके सामने प्योरिटी चेक करते हैं गोल्ड की, और उसकी उनके फीस सामने कौन पे नंबर करता है? ऑफ गोल्ड स्मिथ की फीस कौन पे करता है? सर कस्टमर पे करता है सर। एडवांस में ही ले लेते हो या बाद में मतलब लोन में से काट लेते हो? सर बेसिकली उनके सेविंग अकाउंट से डिडक्ट करते हैं सर, जो लिंक अकाउंट अच्छा होता है गोल्ड लोन सर। अच्छा पहले वो डिडक्ट करते हो तभी चेक होगा, राइट? ऐसे ही है। यस सर, यस सर। ओके, अगर डिफॉल्ट होता है गोल्ड लोन में तो सिंपल है, वो तो आप बेच ही दोगे, राइट? ऐसे ही है। जी सर, इसका जी प्रोसेस सर। क्या है? इसका इन केस कितनी देर, अगर कोई बंदा अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं देता, कब आप बेचते हो? क्या प्रोसेस क्या है इसका? अगर सर गोल्ड लोन एनपी होता है तो सर कस्टमर को लेटर इशू करते हैं कि आपका गोल्ड लोन एनपी हो गया है, तो अगर आप नहीं आते तो बैंक को मतलब फोर्सफुली उसको सेल करना पड़ेगा। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट सर टाइम कि, पर आफ्टर 3 मंथ्स, आई एम नॉट श्योर सर, आफ्टर 3 मंथ हम उसको फिर सर सेल कर देते हैं। तो गोल्ड स्मिथ होता है यार, किसी को भी जो बेटर चलो, वैल्यू देता है उसको सेल कर देते हैं। थोड़ा मूड चेंज करते हैं, टॉपिक्स में बाहर आते हैं, जो मेरा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप बिजनेस लोन देते हैं ना? आप जी सर, बिजनेस लोन देते हैं? बिजनेस लोन के लिए जो आपके पास बैलेंस शीट सबमिट कराते होंगे ना बिजनेसमैन, राइट? जी सर, उसमें सबसे ज्यादा यकीन करने लायक कौन सी चीज होती है? क्योंकि बैलेंस शीट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, कोई जेनुइन इतनी होती नहीं है ना, छोटे बिजनेसेस की तो वैसे भी नहीं होती, बड़े शायद होंगे, बड़ों की भी नहीं होती। तो उसमें अगर आपको चेक करना है कि इसकी जो बैलेंस शीट है वो कितनी मतलब आपको है रिलायबल है, उसकी रिलायबिलिटी आप चेक कैसे करोगे एज अ क्रेडिट ऑफिसर? सर जो बेसिकली हम क्रॉस चेक कर लेते हैं आईटीआर से सर, जैसे बैलेंस शीट अच्छा प्रॉफिट लॉस अगर कस्टमर देता है तो क्रॉस चेक उसका हाँ आईटीआर से हो जाता है सर। तो अच्छा, बेसिक फॉर्मूला है सर उसको चेक करने का। आईटीआर से चेक करते हो? हाँ, दैट्स जी सर, नाइस। इनकम टैक्स रिटर्न से जो फाइनली जो होते हैं रिटर्न्स वगैरह जाते हैं, टीडीएस कटते हैं, उससे सर क्रॉस चेक हो जाता है सर। ओके, एंड मान लो आपने लोन दिया है किसी बिजनेस को, आप कैसे मेक श्योर करोगे कि वो अपने बिजनेस जो पर्पस उसने बोला था लोन लेने वक्त, तो वही पर्पस में वो पैसे लगा रहा है, कहीं और नहीं लेकर जा रहा है? कैसे मेक श्योर करोगे? तो क्रेडिट ऑफिसर का आई थिंक ये मेन काम है कि ये एसेस करना कि जिस पर्पस के लिए दिया गया उसी के लिए वो यूज हो। तो इनिशियली सर प्री इंस्पेक्शन होता है, तो पहले प्री इंस्पेक्शन के पहले ही ये देखा जाता है कि वो, फॉर एग्जाम्पल वो बोला कि शू शॉप है, तो शू बिजनेस है कि नहीं, उसका शॉप है कि नहीं, उसके नेबर से 4-5 शॉप से कंफर्म किया जाता है कि बेसिकली ही इज डूइंग दैट जॉब और नॉट, ओके, बिजनेस और नॉट। उसके बाद एंड आफ्टर दैट सर, आफ्टर दैट पोस्ट डिस्बर्समेंट होता है। डिस्बर्समेंट होने का सर इंस्पेक्शन किया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी एक्स अमाउंट का सामान था तो क्या एडिशन हुआ है। और जनरली बैंक सेफर साइड के लिए क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल सर जिससे वो सामान परचेज कर रहे हैं डायरेक्टली उस होलसेलर को अमाउंट रिमिट करती है, तो ओके। इससे सर क्रॉस चेक भी हो जाता है। और पोस्ट अब इंस्पेक्शन में फिजिकल वो जो पोस्ट क्वांटिटी आया, पोस्ट डिसबर्समेंट आप फिजिकल इंस्पेक्शन भी करते हो? जी सर जनरली सर अमाउंट बड़ा होता है तो जनरली सर प्रेफर करती है बैंक की इंस्पेक्शन करने सर। मतलब ये 5-10 लाख के लोन में नहीं करते हैं, बड़े अमाउंट में करते हैं, राइट? ऐसा? जी सर, जी सर, बैंक की गाइडलाइंस नहीं है कि ऐसा सर जनरली करना है कि ओके, मतलब। छोटे लोन्स में नहीं करते हैं, बड़े लोन्स में करते हो, तो चलिए ठीक जी जी है। तो एक चीज बताइए सर कि मैरिड है आप? हाँ सर, जस्ट नाउ, जस्ट नो? तो क्या करती है जस्ट आपकी 3 मंथ्स वाइफ? बैक आई मीन सर। क्या करते हैं वाइफ, क्या करते हैं आपके? तो बेसिकली सी इज सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ इन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। वो एसटीओ है? अरे वाह, जी, अरे अच्छी बात है। वो कहाँ पे पोस्टेड है? वो सर इन मध्य प्रदेश। इन मध्य प्रदेश। तो
आप कहाँ पोस्टेड हैं अभी? बेसिकली आई एम पोस्टेड रायपुर में हूँ अभी। रायपुर? तो कितना है गैप, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है? अराउंड 6 to 7 hours का सर। 6 to 7 hours का? तो तभी आप एग्जाम दे रहे हो कि अपने अपने स्टेट में लग जाए, मतलब पास में लग जाए? सर इसके वो भी एक रीजन है सर, एक वर्क लाइफ बैलेंस भी जरूरी है सर, वो मुझे लगता है कि सर आरआरबी मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सेकंडली सर एक स्केल हायर का भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मैं स्केल 1 काम कर रहा हूँ पीओवी में, यहाँ स्केल 2 का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जैसा कि आपने कहा सर मुझे अपने स्टेट में काम करने का मौका मिल रहा है आरआरबी अगर के थ्रू। आपको अपना स्टेट नहीं मिलता तो क्या करोगे? तो क्या करोगे सर? आई विल थिंक अबाउट इट सर। अच्छा, तो नहीं करोगे, ज्वाइन नहीं करोगे? नो नो अगले सर, साल दोबारा दोगे फिर? ऐसा सर सर आई थिंक मेरे को पेपर फिर से देना पड़ेगा सर। चलो चलो, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। एंड आप ना, मैं सही में बताऊं सर, चलो इंटरव्यू छोड़ो यार, अभी हो गया। आपको ना बैंकिंग का नॉलेज अच्छा है, ठीक है, पता चलता है कि आपने बैंकिंग करी हुई है, अच्छे से करी है। आपको इस, आपकी नॉलेज के बेस पे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता एज पर मी, एंड आई होप आपके मार्क्स भी अच्छे आए होंगे। आप पर्सनल क्वेश्चंस के सवाल आपके अच्छे, आंसर अच्छे नहीं है आपके। द मोमेंट सर वो आपने एक्चुअली अपनी वाइफ का, मुझे द मोमेंट आपने अपनी वाइफ का पोस्ट बताया ना, उसी टाइम मेरे को लग गया, मैं डाउट में आ गया। क्योंकि होता पता क्या है, जनरली डोंट टेक इट पर्सनली, जब वाइफ बहुत अच्छी पोस्ट पे होती है ना, तो मतलब पीपल दे डोंट वांट हर, कि उसका पोस्टिंग तो कहाँ चेंज होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से होगा, उनका तो नहीं होगा ना। दैट इज व्हाई यू आर ट्राइंग। स्टेट गवर्नमेंट जॉब है सर, पॉसिबली उनका नहीं स्टेट है, गवर्नमेंट तो उनका तो होएगा नहीं है ना, स्टेट में ही रहेंगी, राइट? पॉसिबली नहीं। सो हाँ, आप बोल रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाओ पर्सनल क्वेश्चंस का, मतलब आई डोंट वांट टू गेट सर इन वही टू मैं योर। आपसे आइडिया लेना है सर इस कि सी क्या इसका आप, आंसर रहेगा सर। आपके पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे नहीं लगे मुझे पर्सनली। आई मीन, आपका बैंकिंग का नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, वो आपका पावर है। आपके साथ मैं बैंकिंग की बात कर रहा था, मैं खुद बैंकिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था, मैं प्रैक्टिकल तो मैं नहीं कर रहा ना मार्केट में जाके, मैं तो किताबें पढ़ रहा हूँ, आरबी की जी गाइडलाइन पढ़ रहा हूँ। एक्चुअल में आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, मुझे कुछ सीखने को मिला आपसे एक्चुअली, कि इंस्पेक्शन करते हैं इतने में जाके, इतने में नहीं करते, दैट वॉज रियली नाइस। हाँ मुझे किताबें पता है, लेकिन आपको नॉलेज बहुत अच्छा है, राइट? लेकिन आपके जो पर्सनल आंसर्स है ना, जो आप बता रहे हो आपकी वाइफ का इतना अच्छा पोस्ट है, उसी टाइम पे मेरे को डाउट हो गया कि वाइफ का इतना अच्छा पोस्ट है तो 3 महीने हुए शादी को, कितनी की देर आप 6-7 घंटे सफर करके आओगे, हफ्ते में एक सर बार शुड आई आओगे? टेल नहीं कि माय वाइफ इज हाउसवाइफ, क्योंकि कोई क्रॉस चेक देखो, तो होता नहीं मैं जैसा आपसे पूछ रहा हूँ सर। हाँ, मैं झूठ बोलने के लिए प्रोवोक तो नहीं कर रहा हूँ आपको कि आज जाके झूठ बोलो, लेकिन आपके आंसर्स ना उतने अच्छे हैं नहीं पर्सनल। और कभी ये मत बोलो कि मुझे मध्य प्रदेश नहीं मिला तो मैं नहीं करूंगा, बाद में चाहे नहीं करना आपको, वो आपका डिसीजन, बाद में बनाओ जो डिसीजन लेना बाद में, लेकिन इंटरव्यू में ये मत बोल के आओ कि मुझे मिला करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा, रिवाइव हाई स्टी हुआ इसलिए मुझे वहां जा, ठीक है, मतलब ये बोलना कि मध्य प्रदेश में होम सिटी में जाना चाहता हूँ, दैट इज फाइन, बट ये बोलना अगर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, दैट इज नॉट फाइन, दैट्स नॉट गुड, ये एक अच्छा आंसर नहीं, मुझे नहीं लगा। मतलब मेरे हिसाब से होगा क्या इंटरव्यू में, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, इसी तरह से होगा जी दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू वन और टू गुड क्वेश्चंस, ठीक है, बैंकिंग में दे विल बी हैप्पी कि आपको नॉलेज है, नॉलेज तो सबको है ना, सब लोग पेपर पास करके आए हैं, लेकिन द मोमेंट वो आपसे जी जब ये पूछना शुरू करेंगे अबाउट आर यू मैरिड, आप बोलोगे हाँ वो SDU हुआ मेरी वाइफ, तो अच्छा स्टेट गवर्नमेंट, इतनी गजेटेड पोस्ट है, गजेटेड है शायद, है ना, तो इतनी अच्छी पोस्ट है उनके अंदर, गेटेड हाँ और है ऑब्वियसली, बट दैट्स रियली अमेजिंग। तो फिर वो आपसे डिटेल में जब पूछेंगे तो वो दिल भी यू नो अजीब, दिल दिल आस्क मोर क्वेश्चंस अबाउट योर वाइफ एक्चुअली, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे क्योंकि वो खुद उस लेवल के नहीं होंगे ना यार। मैं बोलना नहीं चाहता, वो खुद मैनेजर, जनरल मैनेजर लेवल के हैं, तो दे विल बी मोर एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड द मोमेंट यू से अगर मुझे कहीं और नहीं मिला तो उनको लगेगा आप सीट खराब करने वाले हो, जबकि आप कर दोगे, अगर आपको नहीं मिला आप कर दोगे, बट इट्स अबाउट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज, अगर आप ये चीज कहते हो तो आपके, आपको अच्छे मार्क्स नहीं देने वाले। डोंट से दैट, कि कभी भी ये मत कहो अगर मुझे नहीं मिला मध्य प्रदेश तो मैं सोचूंगा। मैं अगर अपने ऑफिस के लिए कोई इंटरव्यू किसी की ले रहा हूँ, अगर कोई बंदा ऐसे बोले कि मैं सोचूंगा सर, तो मैं सीरियस ही नहीं उस बंदे को लेके, और बंदे बैठे हैं मैं उनका इंटरव्यू लूंगा, दैट पर्सन इज नॉट सीरियस फॉर मी, ही इज नॉट अ सीरियस कैंडिडेट।
तो आपके पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर उतना अच्छा नहीं था, आपका बैंकिंग का नॉलेज बड़ा स्ट्रांग है, ये आपका स्वॉट एनालिसिस कर दिया मैंने। आप इंटरव्यू देने जाओगे पढ़ लो थोड़ा बहुत CRR SLR थोड़ा सा पढ़ लो, एक दो दिन का न्यूज़पेपर पढ़ लो, CD रेशियो कासा रेशियो ये बेसिक जो बैंकिंग है थोड़ा और पढ़ लो, दैट्स इट। गोल्ड लोन का थोड़ा RBI गाइडलाइंस है गोल्ड लोन का या लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क का, ठीक है, जो आपके बैंकिंग में ज्यादा यूज होता है उसके रिलेटेड आप RBI की गाइडलाइन जब आप आंसर देते हो तो ऐसे बोल दो कि सर RBI की गाइडलाइन है, और आप सही गाइडलाइन बताते हो तो बहुत एक जोर पड़ता है कि बंदे ने RBI की गाइडलाइन बताई है मुझे। बैंकिंग में ये बड़ा मायने रखता है, RBI की गाइडलाइन पढ़ो, और जब भी कोई आंसर देते हो गाइडलाइन को अगर आपने रेफर कर दिया तो आप वैसे ही बहुत महान बने जाते हो बैंकिंग में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट, पर्सनल क्वेश्चन जो भी आप दे रहे हो आंसर वो अच्छे नहीं है, ठीक है, वो अपना प्रिपेयर करो बैठ के। मैं झूठ बोलना थोड़ी सिखाऊंगा बैठ के यहाँ पे ऑब्वियसली, तो वो आप देखो झूठ नहीं, वो मतलब एक्चुअली वो हाँ क्या आंसर हो सकता है सर, वो हमें कुछ गाइड करेंगे नहीं सर, वही आंसर मुझे ये हो सकता है सॉल्यूशन कि मिले। देखो हाँ, दो आंसर आपके बहुत गलत थे, एक तो प्रेशर बहुत है मेरी एग्जिस्टिंग जॉब में, दूसरा मुझे मध्य प्रदेश नहीं नहीं सर, मिला मैंने तो ऐसा मैं नहीं नहीं बोला आया। सर, नहीं प्रेशर आपने वाला बात ऐसा नहीं कहा सर प्रेशर, नहीं मैंने। आप वर्क लाइफ बैलेंस आपने बोला ना, वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा बोला था आपने, हाँ वर्क हाँ लाइफ हाँ बैलेंस। हाँ यस 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 सर, मैंने वो वर्ड पकड़ लिया ना, मैंने तो लिख लिया मैंने वर्क लाइफ बैलेंस, और आपका मैं मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाऊंगा, वो यही लिख रहे होते हैं। तो वो दो आंसर से आपका इंटरव्यू खराब हो गया अभी वाला जो है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो अभी हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं इसका गोल ही यही जी है जी कि मैं पता करना इम्प्रूव चाहता करना। हूँ कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, और आपके माइंड में ये चल रहा है और ये आपने मुझे बता दिया, और वहां पे जाके भी आप यही बोलने वाले हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही आंसर्स हैं। अभी आपको पता चल गया ये आपकी गलती है, ये गलती को दोहराना नहीं है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। ओके डेफिनेटली तो सर, डेफिनेटली। हाँ अभी आप थोड़ा जो आपको पढ़ने के लिए बोल दिया वो कर लीजिए, और जो मैंने तीन चार चीजें अभी आपको बताई उसका ध्यान रखिए। और अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज, आप कोर्स के बारे में मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हो, एक एक्सरसाइज के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं, या आपने तैयारी कैसे करी, ऑनेस्टली आप कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं दे सकते हैं, ताकि मैं हम उस पर और अच्छे से काम करें, या दैट विल बी हेल्पफुल अगर आप कुछ कहना चाहते हैं बेसिकली सर, आई वो एम अपना। फॉलोइंग योर वीडियो। मैं आपका सर काफी टाइम से आपका वीडियो फॉलो किया हूँ। और रही बात सर, जो जनरल अवेयरनेस पेपर में भी आया था, जैसे एक क्वेश्चन आया था, अभी तक याद है मुझे, पहला ऐसा कौन सा बैंक है जो इंडियन द्वारा फंडिंग से बनाया गया है, मतलब स्टार्ट हुआ इंडियंस की फंडिंग से। तो आपका सर स्टैटिक क्वेश्चन था एक, आपका जिसमें आपका NRI अकाउंट, बेसिक बैंकिंग के बाइफरकेशन है NRI, या फिर उधर से एक क्वेश्चन सर मुझे, मैंने पढ़ा हुआ था आपका सारा, आपके नोट्स नहीं पढ़े थे जो आपने एक दो दिन पहले दिए थे, बट वो मैं पढ़ के गया था सारे। उससे मुझे सर 3-4 क्वेश्चन आए थे जो मुझे ऐसा लगा, जो मुझे एड ऑन किए कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। तो सर आप, और रेगुलर आप सर गाइड भी किए हैं काफी, क्योंकि ऐसा कोई सर ज्यादा प्लेटफॉर्म है नहीं RRB स्केल 2 या 3 के लिए, PO के लिए तो हजारों है सर, बट 2-3 के लिए कम है प्लेटफॉर्म्स। तो सर आपका मुझे बेस्ट लगा, इसलिए आपका मैंने टेस्ट सीरीज भी परचेज किया था चलो अभी ज्यादा तारीफ मैं अपनी नहीं करवाऊंगा, दैट्स इट। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, आपके पास शायद मेरा नंबर है, आपको कोई दिक्कत हो डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग या किसी भी रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। बाकी मैंने जो अभी आपको एक दो चीजें बताई हैं इनका आप ध्यान रखिए, मेरे पिछले कुछ एक स्टूडेंट्स ने ये गलतियां करी थी, मैं नहीं चाहता कि आप वो रिपीट करो, उनको बाद में पता नहीं चलता कि मैं फेल डेफिनेटली क्यों हो सर, गया। एक दो स्टूडेंट मेरे फेल कर दिए थे उन्होंने, तो उनको बाद स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता सर मुझे फेल क्यों कर दिया, मेरे इतने अच्छे मार्क्स से, मैं आंसर्स अच्छे देकर आया था, उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे मैंने 4 के आंसर दिए, मैं फेल क्यों गया उन्हें पता नहीं चलता, तो आपको भी पता नहीं चलना। तो ये अभी मैं बता रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। चलो आज डेफिनेटली की सर, एक्सरसाइज डेफिनेटली यहीं पे खत्म करें, जी, थैंक यू सर, थैंक्स अ चलिए लॉट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।